मोड्यूल 188 प्रेवलेंस एंड कोमोबिटी ऑफ साइक्लोथेमिक डिसडर तो ना वी विल सी कि साइक्लोथीमिया की प्रेवलेंस चिल्ड्रन में एडोसन में कितनी है एज वेल एज जनरल पॉपुलेशन में कितनी है और कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो साइक्लोथीमिया uh, के साथ कोमोबिट uh, होते हैं क्योंकि यूजली ये कहा जाता है कि आमतौर पर क्लाइंट आता किसी और प्रॉब्लम के लिए है माइट भी उसको स्लीप मेंटेन करने का प्रॉब्लम हो रहा है तो जब उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि उसे साइक्लोथीमिया का प्रॉब्लम है तो सर्टेन टाइम ऐसा भी हमें पता चलता है इसलिए को जो है इसके साथ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है वी विल सी द प्रवलेंस साइक्लोथीमिया की लाइफ टाइम प्रावलेंस कितनी है पॉइंट फोर से वन देन प्रेवलेंस जो मूड डिसऑर्डर की जो क्लिनिक्स में रिपोर्ट है वो कितनी है थ्री टू फाइव परसेंट ठीक है अब मूड डिसऑर्डर्स में डेफिनेटली सारे मूड डिसऑर्डर आ जाते हैं नॉट ओनली द दाइक्लोथामिक डिसऑर्डर जनरल पॉपुलेशन में इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो साइक्लोथीमिया है वो मेल और फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट एक जितना ही कॉमन है फिर अगर हम क्लिनिकल सेटिंग में देखें तो उसके अंदर फीमेल्स जो हैं वो ज्यादातर आती हैं फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट रादर देन मेल्स ठीक है uh, males, तो ये इसका प्रेवलेंस रेशियो है देन वी विल टॉक अबाउट कोमोबिडिटी को मोबिडिटी के अंदर ज्यादातर जो हमें इसके साथ मिलता है बच्चों के अंदर भी और एडोल्स में भी वो हमें मिलता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर स्लीप डिसऑर्डर ठीक है यानी स्लीप को उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा या उसको फॉलिंग अ स्लीप में प्रॉब्लम होगा तो उसे स्लीप डिसऑर्डर जो होता है हो सकता है इसके साथ साथ ए का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ई में बच्चा जो है बहुत इम्पल्सिव होता है रेस्टलेसनेस भी होती है उसके अंदर तो वी नीड टू बी सी के जो मूड के इश्यूज हैं वो उसके अंदर प्रिवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एनजाइटी डिसऑर्डर जो है वो भी इसके साथ को अकर कर सकता है क्योंकि सोशल स्किल्स जो हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं जिसकी वजह से सोशल एनजाइटी डेवलप हो सकती है डिसऑर्डर डेवलप डेवलप हो हो सकता है, हो सकता है है सोशल फोबिया इम्पल्स जो हैं वो भी रिपोर्टेड हैं जिसमें कंपल्सिव बाइंग जो है वो भी आ सकती है इसके साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर जो है और वो भी रिपोर्ट किए गए हैं तो मेनली इट मे पॉसिबल कि बेसिकली क्लाइंट आपके पास आया इनमें से किसी एक प्रॉब्लम के लिए हो बट जब आप उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करें तो आपको पता चले कि ये क्लाइंट जो है वो साइक्लोथेमिया को भी एक्सपीरियंस कर रहा है सर्टन टाइम डायरेक्ट भी आ सकते हैं लेकिन यूजली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये देखा गया है कि किसी और प्रॉब्लम के लिए आते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट कि उनको साइक्लोथेमिया का डिसऑर्डर है